हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपको आज 12 कली का प्लाजो बना के दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए 2 मीटर मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये 4 फोल्ड कर लिया है, ओपन साइड नीचे की तरफ है। उसके बाद इस तरीके से इसे बिछा लेना है। उसके बाद हमें लेंथ लेना है, नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मोहरी के लिए लेना है और ऊपर से हमें बेल्ट के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें बेल्ट हम इसी में फोल्ड करेंगे, अलग से नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद लेंथ पे निशान लगा लिया, जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए। उसके बाद 2.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ इसमें एक्स्ट्रा रखा है, जो हमारा नेवा फोल्ड करने में आएगा। उसके बाद हमें इसे टोटल लेंथ देखनी है, टोटल लेंथ कितनी है उसको हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 को 4 गुना करेंगे वो हमारा 12 हो जाएगा। 12 कली का ये प्लाजो है तो इसलिए हमें 3 हिस्सों में ही डिवाइड करना है ये टोटल। तो इसकी 21 इंच लेंथ आई थी तो 7-7 इंच का हो जाएगा हमारा ये। तो एक कली की नीचे से चौड़ाई 7 इंच आएगी, तो इस तरीके से करके हमें 7-7 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमने ऊपर से एक्स्ट्रा रखा था उसे भी हमें सीधा कर लेंगे। ये 2 इंच की हमने यहाँ पे रखा था मार्जिन, इसको भी हम सीधी लाइन कर लेंगे। उसके बाद हम ये 7-7 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि हमारा आइडिया हो जाए। उसके बाद जितनी भी हमारी वेस्ट का साइज़ है उसमें हमें 10 इंच प्लस करना है। 10 इंच प्लस करने के बाद हमें उसे 12 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद उसमें 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखा रखा है कैलकुलेट करके, 44 था मेरा टोटल, उसको मैंने 12 से भाग करके 6 आया, तो 6 में हमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करना है। तो हमें 7 इंच, 7 का मुझे लेना है यहाँ पे हाफ, 3.5। तो यहाँ पे मैं 3.5 पे निशान लगा रही हूँ, 1-1 इंच हमारा मार्जिन के लिए हो गया। और उसके बाद जो हमने नीचे 7 इंच पे निशान लगाया था उसको इससे मिला देंगे। इस तरीके से तिरछा करके हम मिला देंगे तो ये हमारी कली बन जाएगी एक। इसी तरीके से हमें बाकी कलियाँ भी कट करनी है। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इजीली इसे कभी भी बना सकते हैं, और बनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। तो यहाँ से हम सीधा उसे नीचे निशान तक इस तरीके से कट कर लेंगे। उस तरीके से इसके बाद हम इस तरीके से कलियों को रखेंगे। उसके बाद हम दूसरी कली भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर दोबारा से इसको इस तरीके से रखेंगे। तो एक बार में हमारी 4 कली कट रही हैं, तो हमने तीसरी बार रखा, ये 12 कली हो जाएंगी हमारी इसको कटने के बाद। तो इस तरीके से हमें रखना है। उसके बाद इसे सीधा कट कर लेंगे। अब हमारी कलियाँ कट के तैयार हो चुकी हैं पूरी, साइड से जो हमारा जॉइंट है वो भी हम काट लेंगे। इस तरीके से हम रख लेंगे। चौड़ा वाला हिस्सा हमारा नीचे की तरफ रहेगा और पतला वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। उसके बाद इसके जॉइंट को हम कट कर लेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा वो बेल्ट के लिए हमें ऊपर रखना था उस पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसका आसन कट करेंगे। तो पहले हमें एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेना है।
उसके बाद जितने भी हमारी हिप है उसका चौथाई भाग करके हमें उसमें 2.5 इंच प्लस करना है, वही हमारा इसमें आसन का साइज़ रहेगा। तो हिप थी 40, तो उसमें उसका चौथाई हिस्सा हो गया 10, और उसमें प्लस करना है हमें 2.5 इंच। तो 12.5 पे मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, यहाँ पर 2.5 इंच की गोलाई ली है मैंने। उसके बाद हम इस तरीके से तिरछा मिला देंगे इसे। उसके बाद इस तरीके से गोलाई दे देंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आसन को मैंने कट कर लिया ये, और साइड से जो हमारा जॉइंट था वो भी कट कर लूँगी मैं। उसके बाद देखिए कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन से आसन को स्टिच करेंगे, उसके बाद दूसरी कलियों को ज्वाइंट करेंगे एक एक करके हम। तो सबसे पहले हमें आसन स्टिच करने हैं ताकि हमारी कलियाँ अच्छे से फिर सेट हो जाएंगी। ये देखिए सारी हमारी हो चुका है, पहले हमने आसन को अटैच किया था, फिर उसके बाद एक एक करके हमने कलियों को अटैच किया एक दूसरे से। उसके बाद हम ये नीचे वाले इसको सब फोल्ड कर लेंगे दोनों ही साइडों से, और ऊपर से भी हम आसन को फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें इलास्टिक रखना है उससे हम थोड़ा सा फालतू लेके फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा नीचे से भी फोल्ड हो चुका है, हमारा ऊपर से भी हम फोल्ड कर चुके हैं, तो लगभग ये हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं नीचे इसमें थोड़ा सा इसे और अच्छा करने के लिए गोटा पट्टी का यूज़ करूँगी। इलास्टिक को लिया है मैंने इतना, तो जितनी मेरी कमर थी उससे मैंने 4 इंच कम लिया है ये इलास्टिक, जो बिल्कुल परफेक्ट आती है। उसके बाद मैंने सिल्वर गोटा लिया है जिसे मैं नीचे बॉर्डर पर लगाऊँगी ताकि ये थोड़ा और सुंदर लगे। उसके बाद मैं आपको इसको पहन के फाइनल लुक दिखाऊंगी। बीच में से हमें सिलाई लगा लेनी है गोटा पट्टी और इलास्टिक डालने के बाद। ये देखिए हमारा प्लाजो सिल के बिल्कुल तैयार हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है, इसका घेर भी काफ़ी अच्छा आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।